बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगेन वेलकम अनशाइन फोर्स अकेडमी। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। तो अभी हम वो टेस्ट करने जा रहे हैं जो बिल्कुल करंटली क्वेश्चंस आए थे मुख्तलिफ इनिशियल टेस्ट में, जो इंग्लिश के पेपर जहाँ जहाँ आर्मी नेवी एयरफोर्स में हुए, तो ये उनके लिए बहुत मुफीद है। इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है। ये तकरीबन 100 क्वेश्चंस हैं और इंशाल्लाह ये आपको मैं सारे करवाता हूँ, ठीक है। देखिए, अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर वैसे लिख दिए, आई सा अ वुमन वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। अब देखिए जो ब्रैकेट में है उन्होंने बता दिया है कि एक कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना है कि नीचे देखें एडवर्ब एडजेक्टिव प्रेपोजिशन कंजक्शन ये दी दी है। उनका मकसद यही है कि वो पूछना चाह रहे हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर लफ्ज़ है ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसमें ये जो है ना ये प्रेपोजिशन है, ठीक है, अलॉन्ग जो है। बाकी नेक्स्ट है स्टिल वाटर रन्स डीप, ठीक है। तो अब इसमें डीप क्या चीज़ है, तो क्योंकि ये रन को एक्सप्लेन कर रहा है वर्ब को, तो ये एक एडवर्ब है, ठीक है। उसके बाद है शी एज वेल एज हर सिस्टर, ठीक है। तो अब ये क्योंकि दो चीज़ों को, यानी वो लड़की और साथ उसकी सिस्टर, तो ये दोनों को आपस में मिलाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, ये कंजक्शन है, ठीक है। तो कंजक्शन कहते हैं जो दो लफ्ज़ों को, दो फिक्रों को, दो फ्रेजेस को आपस में मिलाता है, ठीक है। दिस गोल्डन रिंग इज टू कॉस्टली, ठीक है। तो अब जब ये आता है ना दिस गोल्डन रिंग इज टू कॉस्टली, तो ये गोल्डन रिंग, अब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं आपकी गोल्डन रिंग को कि वो कॉस्टली है। तो नाउन को जब भी कोई लफ्ज क्वालिफाई करेगा तो वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद देखिए आई वुड रादर डाई देन बैक, ठीक है। तो अब देन जो है ये क्या है, ये कंजक्शन है, ये दोनों लफ्जों को मिला रहा है, ठीक है। दिस पॉलिटिशियन इज नोटरियस फॉर करप्शन, ठीक है। तो अब फॉर जो है ये लफ्ज प्रेपोजिशन है, ये तो बड़ा कॉमन है, ये जो इन ऑन ऑफ टू ये सारे लफ्ज क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं। यू विल नॉट गेट योर एम इन लाइफ अनलेस, जब तक, ठीक है। तो ये अनलेस जो है ये अब दो लफ्जों को, दो फिक्रों को आपस में मिला रहा है, तो ये भी कंजक्शन है, ठीक है। बेटर टू अनटॉट देन इल टॉट, ठीक है। कहते हैं ना बजाय ना पढ़ाओ कि इससे बेहतर है कि आप, अगर आप गलत पढ़ाने से बेहतर है कि ना पढ़ाओ, ठीक है। तो इसमें जो ये लफ्ज़ है इल टॉट, ठीक है, तो ये पढ़ाने को कह रहा है, टीचिंग को, वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए नहीं सॉरी ये इसकी खूबी है पढ़ाने को, ठीक है। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। द हंटर एम्ड एट, ठीक है। तो अब एट आ गया तो ये डेफिनेटली प्रेपोजिशन है। उसके अलावा जो है इट इज बिटवीन, ठीक है। अब ये बिटवीन भी एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये भी याद रखें। उसके बाद अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, तो ओवर भी क्या है, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। शी डाइड हर हेयर ब्लैक, यानी उसने कलर किए, तो अब ये क्या है, ये एक वर्ब है, ठीक है, कलर करना, किसी भी काम के करने होने या सकने को वर्ब कहते हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है। तो ये क्या है, जस्टिस खुद एक नाउन है, ठीक है, ओके। अ कैट मे लुक अ किंग, ठीक है। तो इसमें आ एन दी ये क्या होते हैं, ये आर्टिकल होते हैं। अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग, तो अ चेन शुरू में अक्सर नाउन होते हैं, ठीक है। टेररिस्ट एक्सप्लोडेड, अभी एक्सप्लोड से निकला एक्सप्लोडेड, तो ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। उसके बाद है अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, ठीक है। तो द जो है ये आर्टिकल का हिस्सा है। डिस्क्रीजन इज द बेस्ट पार्ट ऑफ वैल्यूअर, ठीक है। तो डिस्क्रीजन जो है ये वैल्यूअर क्या है, ये आपकी नाउन है, ठीक है, ये इज्जत को कहते हैं। फेंट हर्ट नेवर वॉन फेयर लेडी, तो वॉन विन वॉन से निकला है, ठीक है, वर्ब, ये वर्ब है। अ ग्रेट टॉकर इज अ ग्रेट लायर, यानी ज्यादा बातें करने वाला सबसे ज्यादा झूठा भी होता है, तो झूठा होना ये एक नाउन है। अ ड्रोनिंग मैन, ठीक है, मैन तो है लेकिन वो क्या है, ड्रोनिंग, तो जो नाउन को क्वालिफाई करता है उससे पहले, तो उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। सीइंग इज ब्लीनिंग, देखना, ठीक है। तो वो वर्ब जिसके साथ आई एन जी लग के वो एज अ नाउन एक्ट करे तो उसको हम जेरंड कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल, ठीक है,
तो अब ब्यूटीफुल कैसा लग रहा है वो, उसका लगना है, ठीक है, मतलब कैसा लग रहा है, तो ये हम उसकी कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहे हैं। ईट टू लिव, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, तो जो टू के साथ वर्ब आता है तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है, ये याद रखें, जिस वर्ब से पहले टू आ जाए तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। स्मोकिंग, ठीक है, आप देखें स्मोक से स्मोकिंग है, तो स्मोक अगर सिर्फ होता तो वर्ब होता, लेकिन आईएनजी के साथ लग के शुरू में लग गया, एज अ नाउन एक्ट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, जेरन, ठीक है। फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, ठीक है, तो अब इसकी फायर की एक खूबी बयान हो रही है, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है। अ न्यू ब्रूम स्वीप्स, नया झाड़ू जो है वो अच्छा साफ करता है, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये एक पार्टिसिपल है, ठीक है, अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन, ठीक है, तो ये नाउन जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये आएगा पार्टिसिपल। एक्सपीरियंसेस इज, एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस क्या है जनाब, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट मास्टर, ठीक है, तो अब बेस्ट मास्टर जो है इसकी तारीफ कर रहा है, तो जाहिर है कॉम्प्लीमेंट आएगा। टू मैनी कुक्स, ठीक है, अब कुक तो है लेकिन ज्यादा है, मैनी कुक्स हैं, तो ये एडजेक्टिव है। उसके बाद है अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉयल्स, ठीक है, वॉच्ड पॉट तो है लेकिन देखा हुआ है, तो इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है वाइट बॉल, वाइट बॉल क्या है, यहाँ पे क्या लगेगा खाली जगह में, फर्स्ट टाइम इन, अच्छा ये देखें फर्स्ट टाइम यूज हुआ था तो फिर वाज यूज्ड, क्योंकि पुराने सन की बात हो रही है तो गैर ये वक्त गुजर चुका है। द न्यू इंफॉर्मेशन ऑन डेंगी वायरस कॉज पैनिक इन द पब्लिक एंड गवर्नमेंट, तो ये क्या आएगा, दोनों की बात हो रही है तो फिर अलाइक, ठीक है, यानी एक जैसा, जिस तरह पब्लिक में बात हो रही है इस तरह गवर्नमेंट में भी हो रही है। आई कैनॉट कम टू सी यू, ठीक है, मैं आपको नहीं सकता, कब तक, अनटिल टुमारो, ठीक है। ही हैज बीन लिविंग इन स्विट्जरलैंड, तो जब खाली जगह से आगे टू थ्री फोर ये आ जाएगा तो उसमें हमेशा आप लगाएंगे फॉर, ठीक है, फिक्स टाइम होगा तो पर्सन्स। नेक्स्ट है शी इज स्टैंडिंग, शी इज स्टैंडिंग, अब देखें कहां, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो किसी जरिए के साथ जब खड़ा होता है तो फिर बाई आता है, अच्छा जी। ही पेड द डाइनिंग बिल, उसने बिल पे किया किसके साथ, विद अ क्रेडिट कार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे विद आएगा। ही डिड नॉट गिव अप, वो उसने नहीं छोड़ा, क्या उसने तर्क नहीं किया, डिड नॉट होपिंग, उम्मीद करना, ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट है 38 में द बैड वेदर द आउटडोर पार्टी वाज, अच्छा ये रीशेड्यूल होगी किसकी वजह से, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, ठीक है, इसकी वजह से, खराब मौसम की वजह से। नेक्स्ट है यहां पे अब आएगा लूजिंग द फर्स्ट मैच आवर टीम हैज वॉन द वर्ल्ड कप, तो बजाय इसके कि हम फर्स्ट मैच जीते तो हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, तो डिस्पाइट यहां पे ज्यादा लफ्ज मौजूद है, ठीक है। एवरीवन एट अप एट द पार्टी, हर कोई पार्टी में क्या था, अमेज्ड बाय हिज परफॉर्मेंस वाज, ठीक है, यहाँ पे वाज आना चाहिए, एवरीवन वाज अमेज्ड, अमेज्ड की वजह से वाज लगा, अगर ये अमेजिंग होता या कुछ और होता तो फिर हम इससे अंदाजा लगा लेते कि वाट पार्टी इज लगा लेते, ठीक है, तो लेकिन अब क्योंकि अमेज पास्ट आ गया तो पास्ट में वाज हेल्पिंग वर्ब लगता है। शी के बाद क्या आएगा जनाब, फॉर द अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट, तो शी इज ट्रेनिंग, ठीक है, तो ये आएगा शी इज ट्रेनिंग फॉर द अपकमिंग टूर्नामेंट, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आई, आई के बाद देखें न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर, तो आप जा रहे हैं, ठीक है, तो आई विल गो न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर, आई एम गोइंग टू न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर, अब कोई काम अगर हो रहा होता तो वो यहाँ पे ये ज्यादा मौजूद, आई एम गोइंग टू, देर आर सम वैकेंट रूम्स, ठीक है, तो रूम्स कहाँ पे हैं,
इन द फ्लैट एंड दिस, अब ये दो बातें हैं, इसमें भी और इसमें भी, तो बोथ, ठीक है, बोथ इन फ्लैट्स एंड शेयर्ड हाउसेस। द सन राइजेस, तो ये आपको पता है कि ये सूरज मशरक में, मशरक से निकलता है, तो सन राइजेस इन द ईस्ट। नाइट्रोजन गैस इज इन अबेंडेंस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्या होती है, जमीन पर होती है, तो ऑन जो है ना इसके लिए ज्यादा मुफीद है, नाइट्रोजन गैस की जमीन पर जो है वो कसीर मिकदार में है। आई वॉज वॉचिंग अ टीवी प्रोग्राम वेन ही, तो यहाँ पे देख रहा था जब उसने क्या किया, वॉकड इन, जब उसने दरमियान में वॉक की। वी आर प्लानिंग, हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग, तो प्लानिंग हम कर रहे हैं जनाब टू टेक, ये आ जाएगा टू टेक अवर गेस्ट, ठीक है, कि हम अपने गेस्ट को लेने के लिए। शी टुक लेसन्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही शी टुक लेसन्स, ने सबक सीखे, टू लर्न, ठीक है, ये वाला टू लर्न हाउ टू सिंग, ठीक है। द क्लास टीचर, क्लास टीचर क्या कहती है जनाब, कि क्लास टीचर आएगी, आपका आएगा इसमें, आप सोचें, शाबाश क्लास टीचर, लेट ऑन, लेट आना, ठीक है, वो इजाजत देती है, लेट आना मूव टू अनदर चेयर, उसको यानी जाने के लिए कहती है, तो ये लेट जो है मुझे ये ज्यादा मौजूद है, ठीक है, ये वाला ठीक है। ही डिवोट्स मच ऑफ हिज टाइम, तो मच ऑफ हिज टाइम उसने कहाँ गुजारा जनाब, शाबाश, ये सोचें, इसमें आपका जो है मच ऑफ टाइम टू प्लानिंग, ठीक है, तो ये आ जाएगा टू प्लानिंग, ठीक है, मच ऑफ टाइम टू प्लान फॉर द, अच्छा टू प्लानिंग कोई लफ्ज नहीं होता वैसे, ये टू प्लान होता है, ही डिवोर्स मच ऑफ हिज टाइम टू प्लान फॉर द फ्यूचर, तो ये बी वाला ऑप्शन इसमें ठीक है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है नेक्स्ट है जनाब आपका, शी देखें यहाँ पे, हैज़ टू पास द ड्राइविंग टेस्ट टू गेट द लाइसेंस, शुड पास द ड्राइविंग लाइसेंस, शुड हैज़ पास्ड, नहीं, शी हैज़ टू पास, ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद एज देयर वर नो बस, यहाँ पे कोई बस नहीं थी, तो फिर क्या करती जनाब, होम लास्ट नाइट, ठीक है, तो जाहिर जब बस नहीं थी तो वो उसने वॉक तो करनी थी, तो हैड टू वॉक होम लास्ट नाइट। उसके बाद देखें जनाब ये आएगा, दीज बुक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, तो हु डू दीज बुक्स बिलोंग्स टू, या हु डज, दी बुक्स है ना, बुक्स के बाद डज तो नहीं आता, एक चीज है, हु डू दीज बुक्स बिलोंग्स टू, हु जो है ना ये वाला ऑप्शन, हु डू बिलोंग्स, दीज बुक्स बिलोंग्स टू, ये सही है। इफ जॉन क्या करता है जनाब, इफ जॉन, अगर जॉन जल्दी उठता तो ही वुड ऑलवेज बी ऑन टाइम, तो वो हमेशा वक्त पर होता, तो गॉट अप, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात है, तो वो उठता। जोली, जोली क्या करती है जनाब, जोली करती है रीड अ बुक, रेड अ बैक यस्टरडे, अब ये सेकंड फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पे रेड आएगा, ठीक है, यानी ये एक्चुअली सेकंड फॉर्म है, जूली रेड, रीड रेड रेड, ठीक है, तो वो सेकंड फॉर्म है, यस्टरडे है ना, काम हो चुका है, तो सिंपली सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, ठीक है। उसके बाद है 61 क्वेश्चन है, इसमें इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, सो अब यस्टरडे की बात है, तो सो वी डिड नॉट गो, क्योंकि डिड जब लग जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। अच्छा जी नेक्स्ट है 62, आई डैश व्हाट वाज हैपनिंग, तो यहाँ पे आएगा बेहतरीन ऑप्शन इसका जो है ये कुडंट अंडरस्टैंड, ठीक है, आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं समझ सका व्हाट वाज हैपनिंग कि क्या हो रहा था, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं तो फिर क्या होता है, यू विल गेट, तो विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। इफ यू, अगर आप क्या करते हैं, आपने काम, यू वुड, अब वुड होता है ना, तो ये नहीं होता ऐसा, तो अगर आपने ऐसा काम किया होता
तो इफ यू हैड वर्क, ठीक है, तो अगर आपने ये काम किया, अच्छा नहीं ये नहीं, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, ये वाला हैड वर्कड, ठीक है, तो ये आएगा। इफ कैमरा वाज वर्किंग, अगर कैमरा वर्किंग कर रहा था तो फिर क्या था, वी कुड, जब यहाँ पे पास्ट होगा तो यहाँ पे कुड वुड शुड आएगा, ठीक है, तो यहाँ वी कुड आता, वी कुड मेक अ मूवी, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी, यानी हम उस वक्त मूवी बना सकते। एमना इज गेटिंग, एमना इज गेटिंग क्या जनाब, एमना इज गेटिंग आउट ऑफ कार, यानी वो बाहर निकल रही है, ठीक है, ये आएगा। नियर द लंदन आई देयर इज अ ब्रिज, तो वहां पे ब्रिज है, द थेम्स रिवर किसके ऊपर है, रिवर हमेशा किसी पुल के, पुल उसके ऊपर होता है ना, तो ओवर द ब्रिज हमेशा ऊपर होता है, ठीक है, दरिया के ऊपर होता है, तो ऊपर आएगा। माइकल इज फॉलिंग, माइकल जो है वो गिर रहा है, कहाँ से गिर रहा है जनाब, फॉलिंग ऑफ द हॉर्स, जब गिर रहा होता है तो फिर ऑफ होता है, ठीक है, चढ़ रहा होता है तो ऑन होता है। ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब इन, तो अब दो चीजें हैं, दिस में या दिस में, ठीक है, तो आर के साथ हमेशा इधर आता है, ठीक है, अगर यह नार होता तो फिर नीदर होता। दे कुड सेव मनी इफ दे बॉट, ठीक है, वो मनी सेव कर सकते थे अगर उन्होंने क्या करना, इकोनॉमिकल, सस्ता, ठीक है, इकोनॉमिकल फर्नीचर अगर वो खरीदते। आई मस्ट गेट टू द मार्केट बिफोर इट, तो बिफोर बिफोर इट, इट के साथ जाहिर है क्लोज, क्लोज तो नहीं है, क्लोजेज होगा, हाँ एस, ये इसका इजाफा होता है, ठीक है, तो बी लगेगा, ठीक है। वन डे पीपल, वन डे पीपल क्या करते हैं जनाब, टू मून, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग ट्रैवल करेंगे चांद को, विल ट्रैवल टू मून, ठीक है। उसके बाद ये ओल्गा, ओल्गा जो है ये क्या है, वो जा रहा है, इज गोइंग टू, ठीक है, इज गोइंग टू जिम दिस इवनिंग। उसके बाद है एमना लिव्स इन बिंगटन, वो बिंगटन में रहती है, तो अब ये आएगा, अब सवाल सवाल ये, क्या वो नहीं रहती, डजंट शी, ठीक है, तो क्योंकि सिंगल है ना, थर्ड पर्सन है, तो फिर डजंट आएगा, डजंट शी, क्या वो नहीं रहती। उसके बाद एक क्वेश्चन है, दे विल नॉट कम हेयर, वो यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है, तो आगे आगे क्या वो आएंगे, ठीक है, तो ये आएगा विल दे, ये आएगा। द न्यूली इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन साउंड्स वेरी, नई एप्लीकेशंस जो है वो क्या है, तो जाहिर नई एप्लीकेशन साउंड इंटरेस्टिंग है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब टीम प्लेड, हमारी टीम ने खेला, कैसा खेला जनाब, बैडली, बुरी तरह, ठीक है, तो हमेशा आखिर में एडवर्ब आता है। एलिस इज नॉट एट होम, एलिस इज नॉट होम एट द मोमेंट, मतलब वक्ती तौर पे उस वक्त घर पे नहीं था या थी, तो शी डैश क्या आएगा, उस वक्त फिर वो कहाँ थी, शी इज एट वर्क, क्योंकि वो काम पर है, ठीक है, क्योंकि ये इज इधर आ गया तो जाहिर है यहाँ पे भी इज एट होगा, इज एट वर्क। एलिस, एना एंड आई, ठीक है, अब ये तीन चीजें आ गई हैं, तो जाहिर जब तीन चीजें हो गई तो ये जमा हो गया, तीन ज्यादा बंदे हो गए, तो यहाँ पे फिर आर लगेगा, आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है आई डैश माई मोबाइल फोन यस्टरडे, ठीक है, तो यस्टरडे की बात आ गई है, पास्ट की बात आ गई है, तो ये फिर लास्ट आएगा, ठीक है, आई लॉस्ट, मेरा गुम हो गया मोबाइल, ठीक है। ओके जी, माई ब्रदर हैज नॉट, हैज गॉट अ मोटर बाइक व्हेन आई, ठीक है, तो यानी मेरे ब्रदर ने उस वक्त मोटर बाइक खरीदी जब मेरे पास नहीं थी, तो आई हैव नॉट, ठीक है, आई के साथ हैव लगता है। उसके बाद है व्हाट, क्या, टू ड्रिंक, वो क्या पिएगा, टी और कॉफी, ड्रिंक पिएगा टी या कॉफी, ठीक है, तो यहाँ आएगा व्हाट वुड यू लाइक, ठीक है, व्हाट वुड यू लाइक, ये आएगा, क्योंकि लाइक भी नहीं होगा और यू वुड भी नहीं होगा, यू वुड लाइक भी नहीं होगा, ठीक है, तो वुड पहले आता है। नेक्स्ट है जनाब 83, इसमें आता है फॉर अ कंसेंट दिस इवनिंग, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो आता है वुड यू लाइक टू गो
फॉर द कंसर्ट दिस इवनिंग, ठीक है, क्या कंसर्ट कहते हैं, कोई प्रोग्राम जो हो रहा होता है नाचने गाने वाला, तो क्या इस शाम वो उस प्रोग्राम के लिए जाएगा या जाना पसंद करे, जाना पसंद करोगे, वुड यू लाइक, क्या आप जाना पसंद करेंगे। आर यू इंटरेस्टेड इन, आर यू इंटरेस्टेड इन जस्ट फिजिक्स, बस फिजिक्स सब्जेक्ट्स में, ठीक है, द फिजिक्स, ऑफ फिजिक्स, फिजिकल इसमें नहीं होगा। आई बॉट सम पिक्चर्स व्हेन आई वाज, मैंने कुछ पिक्चर्स खरीदी जब मैं क्या था, जब मैं ऑन हॉलीडे था, ठीक है, तो ऑन शुरू में देखें सब में है, इसमें नहीं है, तो ये निकल गया, ऑन इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है, ऑन हॉलीडे, आगे फिर क्या आएगा, इन दिसंबर, ठीक है, तो इन देखें, इसमें सेकंड इन नहीं है, इसमें है, इसमें है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू हैंग देम, ठीक है, कहाँ पे, ऑन द वॉल, क्योंकि दीवारों पर चीजें रखी जाती है ना, तो ऑन द वॉल, तो ये सी वाला ऑप्शन जो है वो बेहतरीन है, यहाँ पे देखे ऑन है, यहाँ पे अलॉन्ग है, तो ये भी ऑप्शन निकल गया। आई एम गोइंग, ठीक है, तो आई एम गोइंग कहाँ, टू दी सिनेमा, ठीक है, टू वॉच मूवी, ठीक है, किसी डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, फिर टू दी सिनेमा। एना हैज फिनिश्ड हर वर्क नाउ शी इज, ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब इज आ रहा होगा तो फिर आई एन जी वाला वर्ब लगेगा, तो शी इज गोइंग, ठीक है, तो ये ए वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है राइट योर नेम एंड रोल नंबर, ठीक है, तो अब आगे क्या होता है, ऑन द टॉप या एट द टॉप, ठीक है, एट द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है, तो ये आ जाएगा एट द, ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, एट द टॉप ऑफ द पेज। वी केम, हमने आए कहां पे, रूम, एंड जंप, अब जाहिर रूम से बाहर आए ना, तो वी केम आउट, तो वी केम आउट ऑफ द रूम एंड जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल, ठीक है, तो जंप जब लगाते हैं तो उस वक्त इनटू होता है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है ये बेहतरीन है। शी लिव्ड, वो रही कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में, तो जाहिर यहां पे इन आना चाहिए, तो इन देखें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और शी लिव्ड, अच्छा सॉरी इसका ऑप्शन, सॉरी ये तो नहीं, ये वाले ऑप्शन, इन यहाँ पे है, अच्छा उसके बाद इन यहाँ पे है, इन यहाँ पे है, इन यहाँ पे है, अभी तक ये डिसाइड नहीं, इन ऑस्ट्रेलिया, आगे देखें क्या आएगा, दिस टू दिस, यानी इस साल से इस साल, तो फ्रॉम से टू दिस, तो फ्रॉम और टू होना चाहिए, फ्रॉम और टू किस में है जनाब, इसमें फ्रॉम टू है, नहीं है, इसमें फ्रॉम टू है, नहीं है, ठीक है, इसमें फ्रॉम टिल है, इसमें फ्रॉम अनटिल, हाँ ये ठीक है, फ्रॉम से लेकर अनटिल 2015, तो टू की जगह अनटिल भी यहाँ पे फिट आ सकता है, ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। नॉट ओनली हर पेरेंट्स, ना सिर्फ उसके पाप, ठीक है, अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, एक दफा मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। नॉट ओनली हर पेरेंट्स, ना उसके पेरेंट्स, ठीक है, बल्कि हर क्लास टीचर प्राउड ऑफ हर, ठीक है, तो ना कि सिर्फ उसके पेरेंट बल्कि बट, ठीक है, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो देखे कहाँ पे, इधर भी है, इधर भी है, ये नहीं है, यहाँ एंड ऑल्सो है, तो अब देखें, हाँ बट ऑल्सो तो हो गया, हर क्लास टीचर एक है ना, तो एक टीचर के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज या वर, तो जाहिर है इसके साथ वाज लगाएंगे, एक टीचर है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यस्टरडे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई ओल्ड फ्रेंड, एक पुराने दोस्त से कॉल आई, एंड ही उसने क्या किया, जाहिर उसने कॉल आई तो उसने बताया ना, बात बताई, हो गई बात, टोल्ड, ठीक है, तो फिर ये टोल्ड आएगा, ठीक है, टेल्स होता है बताता है, टेल बताना, टेलिंग बता रहा है, ठीक है, तो अब जाहिर उसने जब कल कॉल आई है तो वो तो यस्टरडे देखें कल आई है ना, बात गुजर चुकी है, तो फिर सेकंड फॉर्म लगेगी। मालदीव इज अ कंट्री, मालदीव एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत सारे जजीरों से बनी है, मेड अप ऑफ कहाँ पे है, इसमें है, मेड अप ऑफ इसमें है और इसमें है, ठीक है, तो इसका मतलब ये दो पहले ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब देखते हैं, तो इट एंड इट इज मोस्ट
अब ये देखें सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे दा आएगा, द मोस्ट, मोस्ट से पहले दा आता है तो ये दा है, ये ए है, ठीक है, तो लिहाजा डी वाला ऑप्शन है। यू नीड टू राइट योर मोबाइल नंबर, तुम्हें अपना मोबाइल नंबर लिखना चाहिए। वाइल होम एड्रेस, क्या वाइल होम एड्रेस जो है वो ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल होता है, जब भी चीज कोई लिखे या ना लिखे तो ऑप्शनल छोड़ दी जाती है, ठीक है, तो ऑप्शनल नहीं होती, ऑप्शन भी नहीं होता, ऑप्शन भी नहीं होती। द प्रॉब्लम इज नॉट, द प्रॉब्लम इज नॉट, क्या द प्रॉब्लम इज नॉट टू वन ऑफ इंटरनल, तो ये क्या, द प्रॉब्लम इज नॉट रिड्यूसेबल, ठीक है, तो ये आएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, यानी वो कम होने वाला नहीं है। दे हैड बिन, ठीक है, दे हैड बिन, क्या जब हैड बिन आता है तो फिर मैंने बताया था कि लेकिन आगे फॉर सिंस का इस्तेमाल होना चाहिए, वो तो नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे दे हैव बिन थर्ड फॉर्म लगेगी, इंडॉक्ट्रिनेटेड, ठीक है, ये आएगा सी आएगा, इंडॉक्ट्रिनेटेड थर्ड फॉर्म आती है, पता नहीं ये मुश्किल मुश्किल लफ्ज है यार, मुझे तो पढ़े भी नहीं जाते। बरकफ नेक्स्ट चलते हैं, शी इज नॉट विलिंग टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ हर, ठीक है, शी इज नॉट विलिंग, वो विलिंग नहीं है टू रिवील, ओपन करने में द आइडेंटिटी ऑफ शनाख्त, किसकी, ऑफ हर इंफॉर्मेशन, ऑफ हर इंफॉर्मेंट, जो इंफॉर्मेंट देने वाला, जो इंफॉर्मेशन देने वाला है उसको इंफॉर्मेंट कहते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज इन दिस डिपार्टमेंट ऑलवेज, इस डिपार्टमेंट पे जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या हैं, तो वो क्या करते हैं, मेंटेन, ऑलवेज मेंटेन क्लोज रिलेशंस विद ईच अदर, ठीक है। एमना इज ओल्डर, अजाने भी हो रही हैं, मैं आपको जल्दी से ये करवा देता हूँ, तो इसमें आएगा ये डी ऑप्शन आएगा देन, ठीक है, ओल्डर देन एलिस, वाइल जॉली इज द ओल्डेस्ट, ठीक है, तो ओल्डेस्ट के साथ हमेशा डी लगता है, थर्ड डिग्री है। आई कॉन्ट वॉक एनी मोर, मैं ज्यादा चल नहीं सकता क्योंकि आई एम टू टायर्ड, मैं ज्यादा थक चुका हूँ, ठीक है, तो ये आएगा टू, ठीक है जी, चलें जी, नमाज को भी टाइम हो गया, तो खुश रहें इंशाल्लाह, इसी तरह मजीद बाकी टेस्ट कराऊंगा। इंग्लिश टेस्ट जो है इस बुक के ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, बाकी आपको फिजिक्स और मैथ के भी टेस्ट इंशाल्लाह जल्द करवा दूंगा। दुआओं में याद रखें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हमारे फेसबुक का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करें और वहाँ पर पोस्ट करें, ठीक है, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। तो अपने दुआओं में याद रखें, बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।